इंडिया टीवी आपकी आवाज। केंद्र के अध्यादेश के खिलाफ दिल्ली के रामलीला मैदान में आज आम आदमी पार्टी की रैली, सीएम अरविंद केजरीवाल करेंगे संबोधित। आम आदमी पार्टी का दावा, रैली में 1,00,000 से ज्यादा लोग करेंगे शिरकत, पार्टी के तमाम बड़े नेता होंगे शामिल। दिल्ली के रामलीला मैदान में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम, केंद्र के अध्यादेश के खिलाफ आपकी महारैली। दिल्ली में आपकी रैली से पहले बीजेपी ने लगाए पोस्टर, केजरीवाल पर होम रेनोवेशन पर 45 करोड़ रुपए खर्च करने का आरोप। केजरीवाल के समर्थन पर बोले उमर अब्दुल्ला की, कहा कि जब हमें जरूरत थी तो केजरीवाल कहां थे, आज सभी से मांग रहे हैं समर्थन। साझा विपक्ष पर बोले उमर अब्दुल्ला, कहा कि इससे जम्मू कश्मीर को कोई फायदा नहीं है, ये जरूरत पर ही हमारे दरवाजे पर आते हैं। राजेश पायलट की पुण्यतिथि पर सचिन पायलट का ट्वीट, अपने पिता को किया नमन। राजस्थान के दौसा में आज सचिन पायलट की मेगा रैली, राजेश पायलट की पुण्यतिथि पर कार्यक्रम। सचिन पायलट आज कर सकते हैं नई पार्टी का ऐलान, कांग्रेस ने पार्टी में टूट की खबरों से इनकार किया। सीतापुर में अखिलेश यादव का बड़ा दावा, कहा कि लोकसभा चुनाव में यूपी की सभी 80 सीटें जीतेंगे। ब्रजभूषण के मामले पर बोले अखिलेश यादव, कहा कि बीजेपी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अपना नारा याद करे। मणिपुर के हेल्थ मिनिस्टर का बयान, कहा कि राज्य में लौट रही है शांति, तलाशी में 53 हथियार, 39 बम और गोला बारूद बरामद किए। मणिपुर में अब 15 जून तक इंटरनेट बंद, राज्य सरकार ने लिया फैसला, 39 दिन से जारी हिंसा में 100 से ज्यादा लोगों की मौत। मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का दक्षिण भारत दौरा, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में करेंगे जनसभा को संबोधित। अमित शाह देर रात चेन्नई पहुंचे, एयरपोर्ट पर हुआ जोरदार स्वागत, तमिल बीजेपी के नेताओं ने किया उन्हें स्वागत। अमित शाह के स्वागत पर भारी तादाद में उमड़ी लोगों की भीड़, एयरपोर्ट से निकलते ही शाह ने किया लोगों का अभिवादन। अमित शाह के एयरपोर्ट से निकलते ही कटी स्ट्रीट लाइट, चारों तरफ छाया अंधेरा, टॉर्च और मोबाइल की रोशनी में शाह लोगों से मिले। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने अमित शाह के आने पर बिजली काटने का विरोध किया, सड़कों को जाम किया। अमित शाह के दौरे के दौरान लाइट कट जाने पर बोले डीएम के नेता, कहा कि गर्मी में ऐसा होता है, यह जानबूझकर नहीं किया गया। डीएम के नेता टीकेएस एलंगोवन का बयान, कहा कि बीजेपी इस मुद्दे पर कर रही है राजनीति, वो सीबीआई को दे सकते हैं मुद्दा। यूपी के वाराणसी पहुंचे विदेश मंत्री एस जयशंकर, दलित बूथ अध्यक्ष सुजाता धूसिया के घर नाश्ता भी किया। वाराणसी पहुंचे यूएस एड की डिप्टी एडमिनिस्ट्रेटर इजाबेल कोलमैन, हुआ स्वागत, G20 समिट में हिस्सा लेंगे। भोपाल में उमा भारती से मिले सीएम शिवराज सिंह चौहान, पूर्व सीएम को सम्मानित किया और आशीर्वाद लिया। ब्रजभूषण सिंह की गिरफ्तारी पर अड़े रेसलर बजरंग पुनिया ने कहा कि अगर 15 जून तक नहीं हुआ मामले का हल तो फिर आंदोलन। नाबालिग रेसलर के बयान बदलने पर बोले बजरंग पुनिया, परिवार पर था दबाव इसलिए नाबालिग रेसलर ने अपना बयान बदला। बजरंग पुनिया का आरोप, अगर ब्रजभूषण सिंह जैसे लोग बाहर घूमते रहेंगे तो लड़कियों को तोड़ेंगे ही। महाराष्ट्र के एक और शहर में लगा कर्फ्यू, जलगांव के अमलनेर कस्बे में 2 गुटों में पथराव। 2-3 युवकों के बीच मामूली कहासुनी के बाद भड़की हिंसा, दोनों पक्षों की तरफ से हुए पथराव में कई गाड़ियों को नुकसान हुआ। दिल्ली के रैन बसेरे में धर्मांतरण का मामला सामने आया, जबरन धर्म परिवर्तन करवाने का आरोपी मोहम्मद कलीम गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक मोहम्मद कलीम ने तुर्कमान गेट के रैन बसेरा केयर टेकर संदीप सागर पर धर्म परिवर्तन का बनाया दबाव, पैसे का भी दिया लालच। मथुरा में पुलिस एसओजी का ज्वाइंट ऑपरेशन, एनकाउंटर में फाती उर्फ कदीम को गोली लगी, किया गया गिरफ्तार। बदमाश के पास अवैध असलाह कारतूस बरामद, और फाती पर 50,000 का था इनाम, कई केसों में था वांटेड। कोलकाता में रेलवे कर्मी को धमकाने के आरोप में 2 गिरफ्तार, टीएमसी नेता अभिषेक बैनर्जी का सेक्रेटरी बताकर धमकाया था। दमोह में गंगा यमुना स्कूल के संचालक गिरफ्तार, भारी पुलिस बल तैनात, हिंदू छात्रों को नमाज और कुरान पढ़ाने का आरोप लगाए। मध्य प्रदेश के विदिशा में अवैध शराब बेचने के आरोप में युवक को रस्सी से बांधकर जीप से घसीटा, युवक को चोट लगी। इटावा में पुलिस को मिली बड़ी सफलता, 1,20,00,000 की 6,200 लीटर अंग्रेजी शराब बरामद की। शराब की तस्करी करने वाला एक आरोपी गिरफ्तार, वाहन चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई। गाजियाबाद में कूलर की फैक्ट्री में आग, फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने पाया आग पर काबू, किसी के घायल होने की खबर नहीं। झारखंड राज्य छात्र संघ के बंद का दूसरा दिन, रांची में बंद रही दुकानें, नई भर्ती नीति के विरोध में छात्र। रांची में सुरक्षा व्यवस्था सख्त, सभी जगहों पर सुरक्षा बल तैनात, बंद को देखते हुए पुलिस की गश्त। अरुणाचल प्रदेश में लगे भूकंप के झटके, रिक्टर स्केल पर 3.2 रही तीव्रता। पश्चिम बंगाल के खड़गपुर में मिदनापुर हावड़ा लोकल ट्रेन की आखिरी बोगी का पहिया पटरी से उतरा, किसी के घायल होने की खबर नहीं। दिल्ली एयरपोर्ट पर लौटी इंडिगो की फ्लाइट, तकनीकी खराबी के कारण इंजन में आई दिक्कत की वजह से चेन्नई जा रही थी फ्लाइट वापस लौटी।
उज्जैन पहुंचे कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार, महाकालेश्वर मंदिर में पूजा की आशीर्वाद लिया। मिलेट्स को बढ़ावा देने में जुटे हैं सीएम धामी, उत्तरकाशी के सिरोर गांव में जोता खेत, मंडुआ की बीज बोए। पणजी में जैकफ्रूट फेस्टिवल, गोवा के राज्यपाल ने की शिरकत, बिहार और तेलंगाना के गवर्नर भी मौजूद हैं। जम्मू कश्मीर की बेटी सिमरन बाला का कमाल, यूपीएससी सीएपीएफ परीक्षा में पाई है 82वीं रैंक। इस साल एग्जाम क्रैक करने वाली जम्मू कश्मीर की इकलौती लड़की बनी है सिमरन, कहा कि गर्व हो रहा है महसूस। मुंबई में प्रोड्यूसर मधु मेंटेना, इरा त्रिवेदी की मेहंदी सेरेमनी, एक्टर आमिर खान और ऋतिक रोशन रहे मौजूद। आर्मी और एयरफोर्स की ज्वाइंट एक्सरसाइज, रियलिस्टिक ऑपरेशन को किया पूरा, कई लड़ाकू और प्लेन हेलीकॉप्टर्स ने शामिल हुए।